वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन डिश उत्तप्पा। इसके लिए हमें वेजिटेबल कट करके रेडी करना है। मेरी चैनल में मैंने इडली का बैटर कैसे बनाना है वो डिटेल में रेसिपी डाली हुई है। उसी तरह से आज भी हमें बैटर रेडी करना है, तब गोल्डन ब्राउन अच्छी तरह से उत्तप्पा सेक के रेडी हो जाएगा। बैटर परफेक्ट होना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं उत्तप्पा। इसके लिए हमें 3 कटोरी चावल लेना है, 1 कटोरी उड़द दाल लेना है, वॉश करके 5-6 घंटा भिगोना है। फिर मिक्सर में ग्राइंड करके उसको 5-6 घंटा और रखना है, जब तक बैटर ऊपर ना आ जाए। देखिए हमारा बैटर एकदम फ्लफी रेडी होके ऊपर आ गया है। इस तरह का बैटर रेडी होगा तब इसमें स्वादानुसार नमक और इनो डाल के अच्छी से मिक्स कीजिए। एक प्लेट में हमने जो वेजिटेबल कट करके रेडी किए हुए ऑनियन, टमेटो, शिमला, ग्रीन चिली, वो रेडी रखिए उत्तप्पा पे स्प्रेड रख करने के लिए। डोसा का तवा गरम कीजिए, उत्तप्पा का बैटर स्प्रेड कीजिए, उसके ऊपर जो कट किए हुए वेजिटेबल है वो भी स्प्रिंकल कीजिए। ऑनियन, टमेटो, ग्रीन चिली और शिमला मिर्ची, ऊपर से चाट मसाला डालिए, थोड़ा सा ऑयल डाल के दोनों तरफ से उसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेकिए। देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन होके रेडी हो रहा है। अब इसे वापस से पलटाइए, दोनों साइड से अच्छी से सेकिए। देखिए हमारा उत्तप्पा रेडी हो गया है। आपको पसंद हो ग्रीन चटनी, कोकोनट चटनी के साथ सर्व कीजिए, फिर कट कीजिए। टेस्टी यम्मी उत्तप्पा रेडी है।